अरे बहन कहाँ है? भूल आई घर तू देख ले क्या? हाँ ना सुन कैमरा फोटो Thank you.
मैडम सरोज अरोरा जी जो कि इसमें कोऑर्डिनेटर मेंबर हैं और डॉक्टर अंजलि पटवर्धन कुलकर्णी जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मुझे महाविद्यालय के संबंध में की बहुत प्रसन्नता है क्योंकि इस महाविद्यालय के एस्टेब्लिशमेंट के टाइम से हम लोग हैं, हम दो लोग इनमें डॉक्टर सुधा रावटी और मैं, हम दो लोग ऐसे हैं जो कि कॉलेज के एस्टेब्लिशमेंट के समय से जुड़े हुए हैं और इस महाविद्यालय को बिल्कुल एक किराए के एक कमरे से शुरू करके और आज इतने विकसित रूप में हम देख रहे हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और आज तीन टीम हमारे बीच है, मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो ये जो है हमारा फर्स्ट बताओ एस्टेब्लिशमेंट का, चलिए आगे चलो, महाविद्यालय का एस्टेब्लिशमेंट जो है 1984 में हुआ, 1998 से इसे यूजीसी से रिकॉग्निशन मिला। ये बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है और जो गर्ल्स कॉलेज है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा एक अकेला गर्ल्स कॉलेज है जिसमें 16 डिपार्टमेंट हैं। अर्बन हमारा एरिया है, 6.1 एकड़ में ये सिचुएटेड है। 27 हमारी जो है टीचिंग में फैकल्टी हैं और 28 जो है नॉन टीचिंग स्टाफ है। इस साल हमारे कॉलेज में 1704 गर्ल्स हैं जिसमें 1476 जो हैं वो यूजी में हैं और 228 पीजी में हैं। तो ये हमारे कॉलेज की प्रोफाइल है। नेक्स्ट, कॉलेज का विज़न और मिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से भी आता है और महाविद्यालय में हमारी छात्राओं से हमारा यही लक्ष्य है कि वो जो है उनका सर्वांगीण विकास हो। महिला सशक्तिकरण के रूप में इस महाविद्यालय की बहुत भूमिका है, हम श्रेष्ठ नागरिक बना सकें, हमारी छात्राओं को युवा पीढ़ी में उत्साह का संचार कर सकें, नई चेतना जगा सकें, ये हमारा लक्ष्य है कि ये श्रेष्ठ नागरिक बने, देश के प्रति प्रेम हो और उत्तरदायित्व से भरी भूमिका निभा सकें, ये हमारे जो है मिशन है। अगला कर नेक्स्ट नेक्स्ट कर मिशन हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है 2007 में पहला एक्रीडिएशन हुआ नेक्स से जिसमें कि हमें बी प्लस ग्रेड प्राप्त हुआ। इसके बाद कितना है सर? 13 में 2.84 CGPA।
2013 में हमें 2.84 CGPA प्राप्त हुआ, जो कि महाविद्यालय में ये मतलब अन्य महाविद्यालय जो हमारे जिले के हैं उनमें ये सबसे अधिक अंक थे। तो आगे करो नेक्स्ट। पहले जो रिकमेंडेशन थी वो रिकमेंडेशन हमने जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सका उसके आधार पर पूरी की है। मुद्दे खोले जाएं तो इस संबंध में हमने समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान इनमें एमए शुरू किया और जो है वाणिज्य में एमकॉम आरंभ किया। अधोसंरचना के विकास के लिए अधिक बजट का प्रावधान, अधोसंरचना के विकास के लिए रूसा और विश्व बैंक से बजट प्राप्त हुआ। संचार कौशल, मास कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर आदि जैसे पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। संचार कौशल कोर्स ब्यूटिशियन प्रशिक्षण कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए। व्यक्तित्व विकास और छात्राओं के आत्मविश्वास बढ़ाने संबंधी व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए। व्यक्तित्व विकास प्रकोष्ठ द्वारा इस प्रकार के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन और NSS के अंतर्गत भी इस प्रकार के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। जो खेल गतिविधियाँ हैं उनसे भी छात्राओं में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। IQSE को मजबूत करना ये पांचवा रिकमेंडेशन था। तो महाविद्यालय का IQSE बहुत सशक्त है, अकादमिक ऑडिट किया जाता है, एडिशनल डायरेक्टर और लीड कॉलेज द्वारा निरीक्षण किया जाता है। पुस्तकालय में निफ्लिपनेट की सुविधा हो, पुस्तकालय का कंप्यूटरीकरण किया गया एवं एनलिस्ट जो है वो आरम्भ किया गया। पुस्तकालय में वाचनालय के लिए स्थान उपलब्ध कराने की तत्काल आवश्यकता है। वाचनालय हेतु पुस्तकालय में व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारे पास बहुत अच्छा स्पोर्ट हॉल है, इसमें व्यायामशाला, योग सुविधा आदि विकसित किए गए। गुणवत्ता बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय उद्योग संस्थान के साथ संपर्क बढ़ाया जाए, इसके लिए औद्योगिक भ्रमण किए गए और छात्राओं को मार्गदर्शन देने के लिए उद्यमियों को बुलाया जाता है। और कंप्यूटर की बेसिक स्टडी पर व्याख्यान और प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। शिक्षकों का शोध कार्य के लिए आकर्षक प्रोत्साहन हो तो शिक्षकों के लिए शोध कार्य के लिए ये आरंभ किए गए और एक शोध समिति का भी गठन किया गया। NCC आरंभ की जानी चाहिए। NCC खोलने के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है। तो ये जो है जो पिछली नैप थी 2013 में उनके जो रिकमेंडेशन थे उसके संबंध में हमने जो भी संभव हुआ वो कार्य करके और उन्हें पूरा किया है। ये हमारा IQSE का कंपोजिशन है जो कि नैप के नॉर्म्स के अनुसार है। चेयरपर्सन स्वयं प्रिंसिपल और कोऑर्डिनेटर में हमारे यहाँ डॉक्टर जया शर्मा हैं, जिनसे आप कल से लगातार संपर्क में हैं। बहुत ही उत्साही और हार्ड वर्कर और बिल्कुल डिवोटेड हैं IQSE के लिए। टीचिंग स्टाफ में भी काफ़ी कॉम्पिटेंट जो स्टाफ है वो इसमें इन्वॉल्व है। सोशल मेंबर में डॉक्टर श्रीमती प्रतिमा जवर है जो कि सोशल वर्कर हैं, हमारी गतिविधियों में पूरा भाग लेती हैं। इसमें इंडस्ट्रियल मेंबर श्री अतुल जौहरी हैं। छात्राओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है जो कि मीटिंग्स वगैरह में आती हैं और अपने सुझाव देती हैं। एडमिनी भी इसमें सम्मिलित है और टीम जो है वो मैनेजमेंट से मेंबर हैं। नेक्स्ट। IQSE बहुत सजग है, वेबिनार आयोजित करते हैं, सेमिनार आयोजित करते हैं, जो भी कमेटीज बनी हैं उनके लक्ष्यों की पूर्ति में उनको मदद करते हैं और जो है कैसे नवाचार करें जिससे कि छात्राओं की शिक्षण संबंधी और गैर शिक्षण संबंधी गतिविधियों में उन्हें बढ़ावा मिले। नेक्स्ट। फैकल्टीज हमारे यहाँ आर्ट, कॉमर्स है, साइंस है, मैनेजमेंट और कंप्यूटर एप्लीकेशन है। क्या कोर्स चलते हैं? BBA। अभी क्या पोजीशन है एडमिशन की BBA में? 30 सीट्स के अगेंस्ट एडमिशन इस साल का 27 एडमिशन सर। कर बीकॉम में इन ऑल सर 147 इनटेक। जी फर्स्ट ईयर जी।
हमारी फैकल्टीज जो हैं वो इसमें मेंबर ऑफ स्टडीज में, बोर्ड ऑफ स्टडीज में मेंबर भी हैं और एकेडमिक इसमें जो कैलेंडर डिपार्टमेंट जो भेजता है हायर एजुकेशन का उसे पूरी तरह से हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, आपके यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज में है? जी, टीचर्स हैं सर, मैडम गवर्नमेंट गर्ल्स एमएच कॉलेज जबलपुर की बोर्ड ऑफ स्टडीज। अच्छा, अपने यहाँ की उसमें भी है ना लगता डोलर्स में होम साइंस की जो फैकल्टी है वो इसी यूनिवर्सिटी के बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पर आप जहाँ हो वो यूनिवर्सिटी वहाँ जी। ये हमारे एकेडमिक प्रोग्राम है, जब कॉलेज आरंभ हुआ तो केवल बीए था, उसके बाद बीकॉम आरंभ हुआ, बीएससी और स्ववृत्ति में बीबीए और बीसीए प्रारंभ हुए। सेल्फ फाइनेंस में इनमें क्या डिफरेंस आपके यहाँ? सर एकेडमिक प्रोग्राम लिखा ना आपने जी बीए जैसे नीचे लिखा सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज चार है, ये बीबीए बीसीए बीकॉम सेल्फ फाइनेंस है? बीकॉम कंप्यूटर हिस्ट्री है, हिस्ट्री है, बीसी है, बीसीए है, बीकॉम कंप्यूटर है और बीबीए है। वो समझ गया, डिफरेंस क्या है दोनों की फीस में? सर फीस तो चेंज है, जैसे नॉर्मल प्लेन कंप्यूटर बच्चा जो बीकॉम करता है उसकी 2000 लगभग फीस है, और जो बीबीए बीसीए का भी फीस चेंज है, और जो बच्चा बीए में हिस्ट्री ऑप्ट करता है उसके लिए एडिशनल 900 रुपए कुछ उसको हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए पे करना पड़ता है। वो तो ठीक है, मैं बीबीए की पूछ रहा हूं कितनी फीस है? बीबीए की फीस है जैसे 8000 और सिंपल बीकॉम की? सिंपल बीकॉम की 2000 8000। ये मैम जब स्टार्ट किए थे कोर्स तो जनभागीदारी के जो मेंबर्स थे उनकी बैठक होती है वहाँ पे डिसाइड हुआ था, अभी उसी बात करें कितने? नहीं, आपका ये कोर्स उसी 8000 से पढ़ाया जाता है? हाँ हाँ सर। तो गेस्ट फैकल्टी बढ़ाती है? गेस्ट फैकल्टी, और फैकल्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती? नहीं, गेस्ट फैकल्टी। तो आपकी कोई बॉडी बनी हुई कॉलेज की? जनभागीदारी समिति। अच्छा, उसमें कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन सर उसके जैसे अभी हमारे विधायक जी थे पर कुछ समय से वो डिसॉल्व है, अध्यक्ष सारे निरस्त कर दिए गए थे ना, इससे पहले जो थी वो श्रीमती प्रीति सक्सेना थी, 2018 से कोई भी अध्यक्ष नहीं है। जनभागीदारी कमेटी में सर 3 मेंबर को तो जो जनभागीदारी अध्यक्ष होता है वो नियुक्त करते हैं, और प्रबंध समिति में 2 मेंबर होते हैं वो कॉलेज के होते हैं, वित्त समिति होती है एक उसके अंतर्गत जनभागीदारी के अंतर्गत जो बजट वगैरह बनाती है, तो वित्त समिति में जो ट्रेजरी है ट्रेजरी ऑफिसर होते हैं, कॉलेज के 2 लोग कॉमर्स डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के होते हैं, और ट्रेजरी के साथ एक स्टेट बैंक जो अपना गवर्नमेंट का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो मैनेजर है वो होते हैं। तो वित्त समिति बजट बनाती है, फिर प्रबंध समिति की मीटिंग में उसको अप्रूव करवाते हैं, उसके बाद जनभागीदारी की जो सामान्य परिषद है उसमें वो अप्रूव होता है, तो उसमें कलेक्ट्रेट से को एक व्यक्ति रहते हैं, कलेक्टर के प्रतिनिधि रहते हैं, जनभागीदारी विधायक प्रतिनिधि होते हैं, सांसद प्रतिनिधि होते हैं, यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधि होता है, और जनभागीदारी अध्यक्ष जो होंगे वो नाम देते हैं, और 2 पेरेंट्स होते हैं। लास्ट मीटिंग कब हुई? लास्ट मीटिंग सर 18 में हुई थी, सामान्य परिषद वगैरह सबकी हुई, उसके बाद हमारी वित्त समिति की हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो लेटर आ गया तो फिर प्रबंध समिति भी नहीं हुई और सामान्य परिषद भी नहीं हुआ। फिर हम लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे, कुछ 2-3 मुद्दे थे खर्च वाले, तो उनका ये कहना था कि अभी आप नोटशीट पे ले लें और जब भी मीटिंग होगी उसमें अप्रूव कराएं। तो अभी यही स्थिति चल रही है, प्रिंसिपल उसमें सचिव होते हैं, तो प्रिंसिपल के माध्यम से जो बहुत ज़रूरी खर्च हैं उन्हीं को किया जा रहा है, और अलग से एक्स्ट्रा नहीं हम उसमें कोई लोड डाल रहे हैं। आप सेल्फ फाइनेंस में जो 18000 रुपए लेते हैं ये सर जब पहले हुई थी ना मीटिंग उसमें तो तब से बढ़ा ही नहीं है, वही कह रहा हूं, मतलब वो पैसा किसी एक अलग अकाउंट में जाता होगा। हां, अलग से अकाउंट है और मीटिंग और प्रिंसिपल मैडम के पास होगा। हां, जनभागीदारी में आया था एक्चुअली। और गेस्ट फैकल्टी को क्या पेमेंट करते हैं, किस रेट से? सर 500 रुपए रोज का पेमेंट उनका हो रहा है, मतलब 500 रुपए आवर है? नहीं, पर डे। 500 रुपए पर डे है, अभी हम लोगों का कहना था कि बढ़ाया जाए। 500 रुपए कितनी क्लास ले रही है? सर बीबीए की फैकल्टी बीबीए को ले रही है, बीसी कितना? 4 ही क्लास है, वो मैक्सिमम 4 क्लासेस पर क्लास के केवल 500 सर। ये मीटिंग हुई
दो साल से चूंकि मीटिंग नहीं हो पाई है इसलिए वो बढ़ नहीं पाया है। और मिल जाते हैं पढ़ाने वाले? जी हाँ सर है। बीसीए में तो सर अभी स्थिति ये रही कि मतलब अगर हम एनालिसिस करें इनकम और एक्सपेंडिचर का तो बीबीए बीसीए दोनों में कॉलेज को लॉस ही है। अपने तरफ से ही फैकल्टी का जो पेमेंट करना पड़ता है हमको जितनी फीस नहीं आती है। बीसीए में बिफोर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एक प्रवेश रूल में करेक्शन किया कि बच्चे जो मैथमेटिक्स वाले हैं केवल वही बीसीए कर सकते हैं, जबकि उसके दो साल पहले जब हमारा चल रहा था तब तक और ऑप्शन भी थे तो 30 सीट्स भर जाती थी। लास्ट ईयर सर केवल दो ही एडमिशन, अब केवल दो बच्चों से फीस आई है, फैकल्टी तीन लगी है, पेमेंट तो उनका पूरे साल का ही करना रहा। नहीं जो मिनिमम ऐसा नहीं होता 10 होंगे तभी चलेगा। वो जिस साल जैसे हमारे पास फाइनल ईयर में तो थे बच्चे 20, सेकंड ईयर में भी थे 16, फर्स्ट ईयर में केवल दो ही आए तो वो वाला साल तो रन करना ही रहा। और हमने लेटर्स भी लिखे पर चूंकि हायर एजुकेशन खुद ही क्लियर नहीं था उस बारे में तो उन्होंने कहा कि मे भी कुछ मॉडिफिकेशन आएंगे, आप अभी तो कंटिन्यू करिए। अब उस वजह से कुछ उनका डिसीजन भी नहीं आया और प्रेजेंटली दो बच्चों के साथ वो एक क्लास चल रही है तो इस साल सर वो बैच छूट जाएगा तो बीसीए बंद हो जाएगा। हां सर 24 कम से कम 24 हो तो 24 जब हमने लास्ट टाइम कराया था सीबीए में 10 ही बच्चे से कम है तो मैं 10 से ज्यादा एडमिशन ही नहीं आया 3 साल तक बीबीए में। अभी अभी पिछले 3-4 साल से बीबीए में थोड़ा सा फुल सीट वो भी 26-27 तक ही रही है तो उन 10 बच्चों के साथ भी 3 फैकल्टी तो एटलीस्ट रखनी पड़ती थी तो 2-3 साल ये मेजर लॉस में ही चले। तो इस साल वो नियम आ गया लेकिन वो जो दो बच्चों का एडमिशन था उनको तो पास करना ही पड़ेगा और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसमें कोई फंडिंग को लेके सपोर्ट नहीं है। हायर एजुकेशन की जो गेस्ट फैकल्टीज होती है उनका तो मानदेय है, जो अगेंस्ट द पोस्ट आते हैं उनका मानदेय एकदम अलग है, उनका पर डे 1500 रुपए पर डे है पर मिनिमम उनका है कि मिनिमम 30,000 तुमको देंगे। तो समझ में आता है वो शासन के है सर। और ये जो जन भागीदारी से रखे गए थे उनका ये जो एमपी में है जन भागीदारी हां हां जी ये कांसेप्ट जी ये वहां नहीं है वहां नहीं है ये जन भागीदारी का यहां पे कांसेप्ट है। हमारे इस कोर्स का ये पूरे यूनिवर्सिटी में से लगभग सभी कॉलेजों में ऐसी है। अब सर कॉलेजेस के साथ दिक्कत ये है कि अगर इनिशिएट नहीं करते सेल्फ फाइनेंस कोर्स तो भी प्रॉब्लम है, इनिशिएट करते हैं तो इनटेक लाना थोड़ा मुश्किल है, फीस के साथ उसको एडजस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटी की जो अफिलिएटिंग चार्जेस हैं वो भी एक एक साल के पूरे इनकी फीस से कई बार कवर नहीं हो पाते तो हम लोग ने इन बिटवीन इसीलिए कोई भी सेल्फ फाइनेंस कोर्स हमारा खुला ही नहीं पिछले लेट। अफिलिएशन फीस क्या है बीबीए की? सर अफिलिएशन फीस कितनी होगी बीबीए? 36 है। 36,000 ज्यादा नहीं। बीसीए की भी 36,000 विश्वविद्यालय से निर्धारित है। अभी जो बीएससी सर इंट्रोड्यूस किया है इसीलिए वो बहुत प्रयास करके गवर्नमेंट से ही खुलवाया है। पीजी भी जो हमने खुलवाया उसके लिए हम लोग सब बच्चों के साथ सीएम से मिले हैं, जितनी बार यहाँ कोई भी मिनिस्टर आया तो हम लोग पर्सनली उनकी सभाओं में गए और सारी चीजें हमने शासन स्तर से खुलवाई है तीनों पीजी और बीएससी का। और एक अच्छी सफलता ये रही सर कि गवर्नमेंट का भी थोड़ा सपोर्ट रहा और हमको रेगुलर पोस्ट मिली तो लास्ट नेक पे जो हमारे पास केवल 8 लोग रेगुलर पोस्ट के होते थे बाकी सब ऐसे ही गेस्ट फैकल्टीज जिनको उस समय लगभग 200-250 रुपये पर डे का पेमेंट था उनकी जगह आज हमारे पास 19 रेगुलर टीचर्स की पोस्ट है जो कि मोस्टली फिल्ड है या फिर उसके ऊपर कोई गेस्ट फैकल्टी है तो वो शासन वाले हैं जिनको 25,000 या 1500 पर डे का। और जो सेलेक्टेड है उनको यूजीसी नॉर्म से सैलरी मिलती है? हाँ सर उनका बजट हायर एजुकेशन से आता है, बजट से ही होता है तो वो कॉलेज से नहीं कर पाते और उनके क्वालिफिकेशन सब यूजीसी के नॉर्म। गेस्ट फैकल्टी की जरूरी नहीं होगी? नहीं सर है ना वहाँ भी अतिथि विद्वान शासन की जो गेस्ट फैकल्टी वो तो वहीं से लिस्ट आती है। अच्छा वो वहीं से अपॉइंट कर रहा है तो जो सीहोर में होगा वही तो यहाँ रहेगा या बाहर से? सेंट्रलाइज सिस्टम है एमपी का जी, बाहर से भी आते हैं। जैसे एक फैकल्टी अभी गई हमारे ग्वालियर से थी मैडम, एक सागर से सर आते हैं वो फिर रहते हैं
नहीं वो तो मैं समझ गया, बट आप ही लेते हैं उनको जी, उनका सिलेक्शन कौन करेगा? उनका भी सर लिस्टिंग जो होता है वही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो हायर एजुकेशन अपने गेस्ट फैकल्टीज के लिए करता है, उसी में एप्लीकेशन आते हैं और जो उसकी मेरिट बनती है उस मेरिट के बेस पे सिलेक्शन, क्राइटेरिया वही है जो उनका है, अगर उस क्राइटेरिया में ऊपर से फिर कोई नहीं मिले तो जो भी लास्ट इसके लिए मैडम नहीं है, जनभागीदारी के अगेंस्ट जो रहते हैं वो सेक्रेटरी और जनभागीदारी समिति ही उस पे सिग्नेचर करते हैं और कलेक्टर साहब के साइन होते हैं। But they are UGC qualified. तो उसका साथ क्या विज्ञापन देते हैं लोकल की भाई आप जो पढ़ाना चाहे? सर पहले विज्ञापन देते थे, दो साल से अभी शासन के निर्देश हैं कि जो शासन के निर्देश फॉलो हो रहे हैं वही इन जनभागीदारों के भी फॉलो करें, तो इसलिए कोई दो साल से नई अकाउंट नहीं किया है, जो पहले से चल रही है वही है दो साल से। नहीं आप मान लो जरूरत पड़ती है तो क्या तरीका? जरूरत अभी तक दो साल में एक्सपीरियंस के कोई छोड़ के नहीं गया। नहीं वो तो ठीक है, तो वैसे नया कुछ बोले तो ऐड और भी ऐड दी ऐड से ऐड करना पड़ेगा, पड़ेंगे एप्लीकेशंस कॉल होंगी सर। चलिए सब आगे बढ़ो। नेक्स्ट एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी में और इसमें 10 ग्रुप्स हैं, उसमें 3-3 सब्जेक्ट हैं, तो एक स्टूडेंट को कोई भी एक ग्रुप जिसमें 3 सब्जेक्ट हैं वो लेना रहता है। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर एप्लीकेशन है, साइंस में हमारे पास बायो साइंस और मैथ साइंस दो कोर्स हैं। एकेडमिक इनरिचमेंट में जो है सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम, योगा, इंडस्ट्री विजिट, स्पेशल लेक्चर्स और 5 न्यू प्रोग्राम्स जो हैं वो इन 7 ईयर्स में हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। 5 में यही 3 हमारे PG और 2 जो मैथ्स और बायोसाइंस हैं वो। नहीं आपको ये डिटेल्स है इंडस्ट्री विजिट्स कौन कौन सी रही कब कब हुई? जी हाँ सर, ये सारा रिकॉर्ड है जो इसमें क्राइटेरिया वाइज इसमें है सर, और स्लाइड्स में भी आगे सर डेट वाइज जी। सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन कौन से हैं? सर्टिफिकेट कोर्सेज मैडम अलग अलग स्कीम्स में चलाए गए हैं, जैसे कि UGC के अंतर्गत जब फंडिंग आई तो UGC इंचार्ज ने हम लोग ने टैली पे सर्टिफिकेट कोर्स कराया। नेक्स्ट करो सर, ये उसके सर्टिफिकेट्स कुछ लगे हैं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के फोटोग्राफ्स हैं, तो हमने टैली पे करवाया है मैडम, MS ऑफिस पे करवाया है सर्टिफिकेट कोर्सेज, विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल में, ब्यूटिशियन पे, मैथ्रम पे और सॉफ्ट टॉयज मेकिंग और कुकिंग बेकरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी इन पे उनका डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट फीडबैक सिस्टम है, इसमें स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से और एलुमनी से मेनली फीडबैक लिया जाता है। और अब ये सारा फीडबैक के फॉर्म भरे हुए पड़े हैं जी अभी सर 2017 से हम लोग ऑनलाइन भी ले रहे हैं, पहले ऑफलाइन लेते थे अब ऑनलाइन ले रहे हैं। और नहीं मतलब हम ये देखना चाहेंगे। हां जी हां सर, ये सर सब पूरा रिकॉर्ड IPSC सेल में पूरा हर एक एक चीज का रिकॉर्ड है और जो क्राइटेरिया जिनके पास है उनके पास भी उसका पूरा रिकॉर्ड है, तो आप जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देखेंगे तो ये लोग अपना वो सारा रिकॉर्ड प्रेजेंट SSS जो होता है SSS और फीडबैक जो है वो वेबसाइट पे भी हम शो करते हैं इस प्रकार से जो है इसमें फीडबैक का सिस्टम हमारे यहाँ फीडबैक का मैकेनिज्म काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट क्राइटेरिया 2 में टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, हमारे मेल टीचर्स 14 हैं और 13 फीमेल हैं, जिसमें PhD 11 हैं, MPhil 4 हैं और PhD जो कर रहे हैं उनकी बहुत कम है आपके ओनली वन सर जैन सर आई बाकी लोग जब PhD होल्डर्स हैं आपके यहाँ 11 है PG का एक्सपीरियंस होता है और ये ऊपर वाले बनाया जाता है। मैं इससे पहले PG वाले सीओ में था तो इसलिए आपके पास वो PG एक्सपीरियंस था और यहाँ PG अभी 2018 खुला है तो उसके पहले PG नहीं था हमारे और मेरा शोध केंद्र वही रहता है PG वाले में और मेरे अंडर में एक चीज जमा हो चुकी है और 8 अभी कर रहे हैं 8 कर रहे हैं 8
सर एक हमारा जो है नोडल ऑफिसर भी है जिले के, जो मतलब स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित है, उसमें रोजगार संबंधी मेले लगाए जाते हैं, रोजगार की और एक्टिविटीज की जाती हैं, तो जिले के नोडल ऑफिसर भी सर हैं। सर तो फिर अभी और जमा हो रही है, मार्च तक जाएंगे। तो मैक्सिमम एक समय में कितने लोगों को आप रजिस्टर कर सकते हैं? तीन तीन रहता है। अच्छा, तीन पिछले बैठे हैं, उसके पीछे बैठे तीन, कैसे बनते हैं? लेकिन जब जानकारी जाती है तो उसमें सारे प्राध्यापक के पद हैं कॉलेज में। आपकी क्या डेजिग्नेशन लगता है? प्राध्यापक है सर, प्राध्यापक है, सब लोग प्राध्यापक हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कॉलेज में पदनाम नहीं है। कॉलेज में जिस दिन हम रिटायर होंगे या हम ट्रांसफर होकर चले जाएंगे तो वो पद भी चला जाएगा, वापस आ जाएगा। नहीं तो आप कह रहे हो मैं प्रोफेसर हूँ सर? हाँ मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैडम भी प्रोफेसर हैं और बाकी लोग भी प्रोफेसर हैं, आठ प्रोफेसर हैं। आई थिंक ऐसा कुछ है नहीं प्रोफेसर का, तो यूजी कॉलेज में प्रोफेसर का पद नहीं होता, लेकिन हम सब लोग की सीनियरिटी के आधार पे पद नाम मिल गया। आपको तो मिल गया, व्यक्ति को तो, हाँ व्यक्ति को मिल गया, फैकल्टी को मिल गया, लेकिन कॉलेज में है नहीं, वो अलग विषय है। हाँ फैकल्टी को हम सबको पढ़ना होगा। आपको कैसे मिलता, कैसे क्या? शासन से आता है सर, शासन से चिट्ठी, शासन से चिट्ठी आती है कि आपका पदनाम ये हो। अरे वो तो हो गया सर, कैश और पीडीएस जो सिस्टम है, वो जो सीआर पे प्रोफार्मा है, वो प्रोफार्मा वहाँ जाते हैं जब आपकी लास्ट स्टार्टिंग में इंटरव्यू कुछ भी नहीं होती, इंटरव्यू नहीं है, आपके अंडर में तो हमारी यूनिवर्सिटी में तो कोई प्रोफेसर बन ही नहीं सकता, एसोसिएट प्रोफेसर भी जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एमबीए ने जो निकाले हैं उससे सबको पदनाम दे दिया सीनियरिटी के बेसिस पे और सीआर के बेसिस पे, जिनकी सीआर खराब हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई उनको नहीं दिया है, बाकी सबको सीनियरिटी के बेसिस पे दे दिया। कोर्सेज में ओरिएंटेड शिक्षण कोर्सेज में एफटीपी जो है वो अटेंड करते हैं। ये आप लास्ट 5 इयर्स के बता रहे हो? जी जी जी, लास्ट 5 इयर्स सर। जो पहला नेट हुआ ना 13 का, उसके बाद का जो डाटा है वैसे तो 8 इयर्स हो गए, तो हमने इकट्ठा सारा किया है। मोस्टली वो जो एसएसआर पे हुआ था सर वो 5 साल के ब्लॉक्स होते हैं उसमें, तो मेनली यहाँ जो डाटा है वो लास्ट 5 इयर्स के। एज वाइज ज़्यादातर हमारा जो स्टाफ टीम का तो 35 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट करा इसमें ये हमारे यहाँ जो सेंक्शन पोस्ट हैं और जो वर्किंग है और जो वैकेंट है वो जो है प्रिंसिपल की पोस्ट अभी वैकेंट है हमारे यहाँ, मैं इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, तो बाकी ये सारा हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इतनी पोस्ट है, इतनी वर्किंग में हाँ है इस पे है, और बाकी वैकेंट सेल्फ फाइनेंस भी अप्रूव होती फैकल्टी सेंशन पोस्ट ही बोर्ड से बन सही जनभागीदार वाला नेक्स्ट वर्कलोड का कैसे अप्रूव करने के लिए इंक्लूडिंग वो प्रोफेसर साहब भी चार लेते हैं।
सर चार लेते हैं, किसी किसी डिपार्टमेंट में तीन है, जैसे एचओडीज के पास में कुछ जगह पे तीन है पर चार लेते हैं। और अभी तो फाउंडेशन में तो क्लास है तो फाउंडेशन की भी क्लासेस रहती है, इंग्लिश और हिंदी में फाउंडेशन की भी क्लासेस रहती है। तो का वर्कलोड कितना रहता है, 20 का होता है या उससे ज्यादा? 24 से ज्यादा नहीं है, पर जैसे 18 में मार्केट पर 18 है आपका, 24 ऑन एन एवरेज सर 24 ही है। एडमिशन सिस्टम जो है वो ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है और हायर एजुकेशन से मेरिट बनकर आती है, उसी बेस पर एडमिशन होते हैं। नेक्स्ट, इस साल जो है 2021 में हमारी यूजी की स्ट्रेंथ 1476 है और पहले अच्छा और 228 जो है ये पीजी के स्टूडेंट हैं, तो 1704 जो है इस प्रकार से टोटल अभी एडमिशन कॉलेज में है। नेक्स्ट, यहाँ की ट्राइब कौन सी है? एसटी स्पेसिफिकेशन तो एसटी में क्या है वो भी मिलाना है सर, वापस लाना नीचे वाला एससी गर्ल 72 एसटी ओनली 24 ही है। और एक स्लाइड है सर, ये यूजी का, यूजी का है ये कौन है, ग्रीन है, निराला है, जनरल बहुत कम है। कारण जनरल था गायब हो या और कोई कॉलेज है या पीजी कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज है सर, कोएड है। अच्छा, काफी गर्ल्स वहाँ जी जी वहाँ सर। मेन रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट वाले जो बच्चे कुछ और अगर करने के लिए चले जाते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं उसमें चले जाते हैं, और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप का जो मेन है ओबीसी एससी एसटी को मिलती है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसलिए है, मैक्सिमम सभी बच्चों मतलब ये जनरल कास्ट के बच्चे प्राइवेट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं और गवर्नमेंट में सब एससी एसटी ओबीसी। ये वो तो मैं समझ गया, पर इस शहर में कोई गर्ल्स कॉलेज है प्राइवेट? प्राइवेट है सर, और कोएड के यहाँ जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जनरल का बच्चा ज्यादा होता है। बच्चे को मैसेज कर दिया जाता है वो प्रैक्टिकल देने आ जाएगा, एग्जाम देने आ जाएगा, रेगुलर अटेंडेंस की प्रॉब्लम नहीं होती। और गवर्नमेंट है तो हम लोग को गवर्नमेंट के नाम के कारण बच्चे को रेगुलर बुलाना होता है, तो इसलिए बच्चे कहते हैं कि वहाँ जाना नहीं पड़ता, हम अपने घर से पढ़ लेंगे, एग्जाम देने चले जाएंगे, प्रैक्टिकल देने चले जाएंगे। तो उल्टा हो गया, तो हाँ तो उल्टा हो गया प्राइवेट में, इसलिए बच्चों को ये फैसिलिटी होने से वो वहाँ चले जाएंगे। हमारे वहाँ तो प्राइवेट कॉलेज में मोस्ट रेगुलर क्लासेज है, गवर्नमेंट में कमजोर है। नहीं, हम लोगों के यहाँ सर क्लासेज बहुत रेगुलर है, बहुत रेगुलर, तो बच्चे को रोज आना ना पड़े इसलिए बच्चे उधर चले जाते हैं। चलिए, चाहते हैं कोई बिल्कुल ग्रामीण है, कोई यहाँ के शहरी है, कोई इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई हिंदी मीडियम के हैं, सबके लेवल में डिफरेंस रहता है, इसलिए जो है कुछ हम प्रोग्राम जैसे करते हैं, ओरिएंटेशन करते हैं इनके लिए, इंडिकेशन इंडक्शन प्रोग्राम करते हैं, रेमेडियल कोचिंग लगाते हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैंड्स आउट इनको देते हैं स्लो लर्नर्स को, और जो अच्छे एडवांस लर्नर हैं उनके लिए प्राइज और अवार्ड्स होते हैं, और स्टूडेंट के भी सेमिनार हम लोग आयोजित करते हैं। ये इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है दोनों यूनिवर्सिटी से संबंधित और हाँ ये तो यूनिवर्सिटी का काम आ गया। ये कोर्स वाइज जो है कॉलेज रिजल्ट इस बार 99% के करीब रहा, क्योंकि इस बार वो एक ओपन बुक सिस्टम भी था, तो इसलिए रिजल्ट इस साल का 100% ही मानिए, एक दो जगह थोड़ा सा लेस है। ये लास्ट 7 ईयर्स का रिजल्ट है, रिजल्ट प्रायः जो है 90% रिजल्ट रहता है, 90% से ऊपर। ये कैसे संभव है, इतना बढ़िया रिजल्ट तो नहीं मिलता है। रेगुलर क्लासेस होती हैं, पूरा सर इनको रेमेडियल क्लासेस भी करवाते हैं,
और बच्चों का और इनके ऊपर। और आज यूनिवर्सिटी का रिजल्ट का परसेंटेज है आपके पास? सर वो यूनिवर्सिटी शेयर नहीं कर रही है कुछ सालों से, पहले टीआर एक आता था हम लोगों के पास, अभी कुछ सालों से मतलब 5-7 साल से वो नहीं शेयर कर, बस वो पोर्टल पे बच्चा अपना रोल नंबर डालता है और रिजल्ट भी थोड़े दिन बाद अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग नोट डाउन ही करके रखते हैं जब मार्कशीट आती है। टीचिंग प्लान मंथली बनाते हैं, रजिस्टर में पूरी अटेंडेंस का रिकॉर्ड रहता है और डेली डायरी में हम रोज क्या पढ़ा रहे हैं वो सब उसमें मेंशन करते हैं, और लेक्चर्स के अलावा जो है प्रैक्टिकल क्लासेस, फील्ड स्टडी, विजिट ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्जीबिशन, ये सब टीचिंग सारे टीचर्स के पास है, और हर मंथ के 5 तारीख तक टीचर्स अपने सिग्नेचर करवा लेते हैं, जो इनका रजिस्टर या अटेंडेंस का डेली डायरी है उस पर हर महीने 5 तारीख के पहले जो है इनको साइन करवाते रहते हैं। फिर ई लर्निंग, वर्चुअल चैट, इसकी भी व्यवस्था है, तो जो है जितना बेस्ट से बेस्ट हम दे सकते हैं टीचिंग प्रोसेस में वो बच्चों को देते हैं। वर्चुअल चैट में क्या होता है? व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं मैम बच्चों के सारे क्लास के, उनके मेंटर और टीचर्स जुड़े होते हैं, तो स्टूडेंट के साथ एक डिटेल शेयर करते हैं और बच्चे भी उसी पे क्वेश्चन। नेक्स्ट, वर्चुअल क्लासेस टीचिंग होता है, आईसीटी बेस्ड टीचिंग है, और ग्रुप डिस्कशन, स्टूडेंट सेमिनार, क्लास क्राइटेरिया थर्ड रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन में हमारे जो है पीएचडी 11 टीचर जो है पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं और 4 ये संख्या कम होती जा रही है ना, 4 जो है वो कर रहे हैं। जी सर, रिसर्च 14 इतने भी भाई, ये तो बहुत अच्छा टाइम मिला टीचर्स को। सर स्पेशली इसमें एक तो कंट्रीब्यूशन फैकल्टीज का ये बहुत रहा कि इस एक साल में सबने नेट के लिए काफ़ी वर्क किया है, तो सबका पर्सनल जो एक था उसको कीपिंग असाइड और एक रीज़न वो भी हो सकता है। दूसरा, हम लोगों का सितंबर से ही ऑनलाइन क्लास शुरू था सर, हम लोग ने अगस्त से, जबकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स अक्टूबर में बाद में। परसेंटेज ऑफ बच्चे ऑनलाइन पर अटेंड किए आज ऑनलाइन क्लासेस जो आप दे रही हो, टीचर्स ले रहे हैं? अलग अलग क्लास का सर वेरिएशन है, जैसे कहीं अगर 13-14% से अपन बात करें तो हार्डली वो 50% तक भी गए, मिनिमम 13-10% और मैक्सिमम 50-55% वेरिएशन रहा उसमें। उसका भी पर डे रिकॉर्ड है सर कि किसकी ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे आए और उनका क्या परसेंटेज था, वो भी हम एजुकेशन से शेयर करते हैं। और स्वामी विवेकानंद के अंतर्गत भी हम ऐसी गतिविधियाँ करते हैं, शैक्षणिक भ्रमण में और इंडस्ट्रीज में लेके जाते हैं, तो उससे संबंधित भी होगा। नेक्स्ट, ये इसमें हम रेड क्रॉस के थ्रू और एनएसएस के थ्रू काफ़ी एक्टिविटीज़ करते हैं, इसमें प्रोजेक्ट में बच्चे आसपास के स्कूलों में टीचिंग के लिए भी जाते हैं, और जो है कैंपस का प्लांटेशन होता है, नमामि देवी नर्मदे एक यहाँ का मुख्य कार्यक्रम हुआ था उसमें बहुत जो है सबने अच्छी सहभागिता की, और इसमें डॉक्टर राजेश बकोरिया जी हैं, इन्हें कलेक्टर से प्राइज भी प्राप्त हुआ था। एनएसएस में बहुत एक्टिविटीज होती हैं, इसमें COVID-19 के प्रति भी अवेयर किया, जो भी जिस समय की मेन समस्या रहती है उसके संबंध में जो है स्टूडेंट्स अवेयरनेस का काम करते हैं, और स्वच्छ भारत अभियान, कॉलेज चलो अभियान, इस सब में भी काफ़ी एक्टिव रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान, इसमें भी छात्राओं ने भागीदारी की। तो स्कूलों में जाके पढ़ाना की क्या योजना? कॉलेज चलो अभियान जो पहले वाले स्लाइड में, बेटी बचाओ बेटी, इसके पहले वाले स्लाइड बैठकर ये आउटरीच प्रोग्राम
टीचिंग इन योर बाय ये प्रोजेक्ट में बच्चे जो हैं प्रोजेक्ट में ले लेते हैं इसका शिक्षण का और जो उनको स्कूल किसी में जाके वो पढ़ाते हैं तो 60 आवर्स का उनका कार्य करना रहता है तो वो करते थे वहाँ से वो एनएसएस के अंदर आता नहीं या कैसे नहीं ये फाइनल ईयर के बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग है कि उनको 60 आवर्स की इंटर्नशिप प्रोजेक्टिंग करना है तो जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वो इसी को प्रेफर करते हैं कि यहाँ के जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो उसमें वो मिडिल हायर सेकेंडरी लेवल पे जाके और बच्चों की क्लासेस लेते हैं और वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल से फिर उसका रिकॉर्ड लेके हमारे पास ऑथेंटिकेशन के लिए जमा करते हैं उस पर उनको 100 मार्क्स की मार्किंग भी मिलती है। प्लांटेशन ऑफ कैंपस में तो प्लांट तो दिखी नहीं है कैंपस में आपके एक एक फैकल्टी का एक एक पेड़ तो लगाओ सर आपको भी लगवाएंगे आपको जो दिए हम तो अभी कल चले जाएंगे परसों से पानी कोट पिलाएंगे नहीं देंगे सर बिल्कुल हम याद रखेंगे कि बिल्कुल इनको हमें जो है सर्वाइव करना ही है हमारे एक आर के ग्रुप में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनके इंडस्ट्री में 2000 वर्कर्स हैं 2000 व्यक्तिगत बाय नेम पेड़ लगा के ट्रिगर लगा के उस व्यक्ति का नाम उस पे लिखा हुआ है अब वो पेड़ मुड़ जाता है तो दुनिया कहती है देख तेरा पेड़ मुड़ जाता है तो वो 2000 वर्कर्स ने अब तक पिछले मतलब 10 साल की बात कर रहा हूँ मैडम 10,000 पेड़ उस कैंपस में लग चुके अच्छा बहुत बड़ा एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल और उसकी इंडस्ट्री हाईवे से 5 किलोमीटर अंदर है उस सड़क के दोनों तरफ भी उसने पेड़ लगाए और जितनी ट्रकें उसके वहां लगे देने आती और जाती है उनके बाकायदा वहां गाड़ी के नंबर लिखे होंगे वो ड्राइवर वहां गाड़ी रोकेगा और 2 बाल्टी पानी पिलाएगा तो हम जब तक नाम नहीं लिखेंगे ना ट्री गार्ड पे तब तक तो वो पूरे समाज का है पूरे देश को पानी पिलाना सर आप लोगों पे हम नाम सवाल जो फैकल्टी है यहाँ क्योंकि कुछ भी हो एक अफेक्शन पैदा होता है उस फैकल्टी का ऑटोमेटिक अरे यार मेरे पेड़ को पानी नहीं मिला मेरे फट से पानी मिला पर कई बार यहाँ गर्मियों में पानी की ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं वो तो नाम लिख दोगे तो लोग घर से लाके पिलाएंगे बिना नाम के तो आप देख रहे हो पूरे देश को ऐसे ही चल रहा है ये कुछ जो है ट्रेनिंग्स के लिए है जैसे क्रिस्प है ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के लिए है MSME जो है इससे भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करवाई जाती है तो इस प्रकार के 13 जो है कोलेबोरेशन के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं नेक्स्ट ये एग्जिस्टिंग है जी जो है कंसिस्टेंसी देते हैं बॉटनी जो है लेकिन फ्रॉम लैंड लैब टू लैंड अपनी एक्टिविटीज रखते हैं और डिपार्टमेंट कॉमर्स का जो है वो भी CAs जो हैं उनको मदद करते हैं तो इस प्रकार जो है ये देते तो हैं कंसल्टेंसी पर कोई रेवेन्यू वगैरह इसमें नहीं तो छात्राएँ भी देती हैं फैकल्टी भी देती हैं वर्मीकल्चर का है इन हाउस कैंपस इन हाउस मैम वो डेवलप होने की प्रोसेस में है अभी मैडम के पास पूरा मोस्टली क्लासेस के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनके फील्ड से रिलेटेड और ये सब टेन है लेबोरेटरीज जो है 5 है 1 हॉस्टल स्टाफ रूम 1 गर्ल्स कॉमन रूम 1 रेस्ट रूम जो है एसएसपी भी लाइब्रेरी है और मेन सेंट्रल लाइब्रेरी है रेस्ट रूम बहुत बनाए आपने ये बच्चों की एक्टिविटीज हैं गार्डन जो कि हमारा बहुत छोटा है पर अच्छा खूबसूरत गार्डन है बच्चे अपनी जो है एक्टिविटीज इसमें कर रहे हैं जिम भी है कॉलेज में ये लाइब्रेरी कॉमन रूम
साइकिल स्टैंड इन सब के प्रोग्राम्स हैं, ये सारी फैसिलिटीज हम स्टूडेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट, ये कॉलेज के जो रूम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन का है। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड बैंक से हमें 9 करोड़ रुपीज़ मिला है, जिसमें जो है 7 करोड़ 27 लाख में के इसमें हो रहा है, जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये मैप हैं जो बन रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उससे संबंधित मैप हैं। हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, 60 सीटर है, अभी कोविड की वजह से, और जो नया कंस्ट्रक्शन है उसके साथ हमारे पास एक नई जो है साइंस बिल्डिंग हो जाएगी, और उसमें ही लैब और क्लासरूम्स रहेंगे। ये लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हमारी काफ़ी रिच है, काफ़ी टेक्स्ट लाइब्रेरी में अच्छी किताबें हैं आपके पास। जी नंबर जी बहुत संख्या में है, टेक्स्ट बुक्स भी हैं और रेफरेंस बुक्स भी हैं, जर्नल्स आते हैं, मैगजीन्स हैं, टाइम पेपर्स आते हैं, और ई लर्निंग के रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं, एंड लिस्ट है। आईटी से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें से तो ग्रेजुअली बढ़ते हुए अब इस साल जो है 1704 स्टूडेंट्स हैं, तो हर साल जो है इस प्रकार से इनकी स्ट्रेंथ में प्रोग्रेस हो रही है। स्टूडेंट जब स्टूडेंट एडमिशन के लिए आते हैं तभी दरअसल में इन सब के बारे में इन्हें जानकारी दी जाती है, और कॉलेज की मैगजीन जो है वो न्यूज़लेटर स्वयं सिद्धा नाम से हर सेशन में जो है पब्लिश होती है। ये सब कमिटीज हैं, इसमें जिम, योगा ये भी हमारे पास उपलब्ध है, और सभी कमिटीज अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करती हैं। ये कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल, इसमें जो है ये भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जबकि अभी हमें लगता है कि इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है, तो कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो है ये स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन के अंतर्गत है। बढ़ा तो ये वाली सारी बढ़ा तो इसमें मैडम अपने उसमें जो है फ्लैग लेके पहुंची, और ये जो है फर्स्ट महिला है एमपी में, और इसका जो है मोटो है कि इंडिया जो है फिट रहेगा तो इंडिया बढ़ेगा, ये इसने मोटिव सबको दिया है। आगे बढ़ते और हम ये स्पोर्ट्स में जो है फर्स्ट फीमेल केसरी सीहोर डिस्ट्रिक्ट की ये दो छात्राएं हैं, और लड़कियां स्पोर्ट्स में बहुत हमारे यहाँ आगे गई हुई हैं। नेक्स्ट मैं बताऊँ स्पोर्ट्स से संबंधित है, कई अचीवमेंट जो है रेसलिंग में और इसमें हैंडबॉल में सब में छात्राएं यूनिवर्सिटी लेवल पर गई हैं। ये जो है 1920 का करियर गाइडेंस में सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, कोचिंग फॉर कॉम्पिटिटिव क्लासेस, ये रेमेडियल क्लास, ये जो है सब आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ा, ये जो डिफरेंट कोर्सेस करवाए हैं उनसे संबंधित फोटोग्राफ्स हैं, बेकिंग का प्रशिक्षण, कैंडल का प्रशिक्षण, मैक्रम का प्रशिक्षण, ये विभिन्न प्रशिक्षणों में जो है हमने फोटोग्राफ्स लिए हैं, तो लड़कियाँ इनमें भी बहुत उत्साह से भाग लेती हैं। स्टूडेंट ट्रैकिंग ली जाती है, स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्रा महाविद्यालय छोड़कर किस एक्टिविटी से जुड़ी हुई है, किसी जॉब में है या कोई और आगे कोर्स कर रही है, ये सब स्टूडेंट ट्रैकिंग के अंतर्गत हम जो है बताते हैं। ये जो है स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप मेनली जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप है, जो कि